95 from UKPSC Physics Lecture 2021 is in NPN transistor the collector current is 10 milliampere यानी कि IC की वैल्यू 10 milliampere है. If 90% of electrons emitted reach the collector तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है. देखो 90% इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कलेक्टर के पास तो एमिटर से निकल के गए होंगे. देखो होता है क्या है कि तीन चीजें होती है इसमें एमिटर कलेक्टर और बेस. एनपीएन ट्रांजिस्टर है मान लो ये जाएगा बाहर तो इसमें एक होगा ये बेस कॉमन मतलब कॉमन नहीं कह सकते यहाँ पर ये बेस है एमिटर और कलेक्टर. तो होता है कि जो एमिटर करंट होता है वो आईपी प्लस आईसी के इक्वल होते हैं यानी कि एमिटर करंट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द बेस एंड कलेक्टर करंट. इस क्वेश्चन में कलेक्टर करंट गिवन और बोला कि 90% इलेक्ट्रॉन जो एमिटर से निकल रहे हैं वो कलेक्टर पे जा रहे हैं. ठीक है तो हम ये कह सकते हैं कि जो कलेक्टर पे आईसी अपॉन आई का रेशो होगा आईसी अपॉन आई यानी कि रेशो ऑफ द करंट टू द कलेक्टर पर यूनिट करंट ऑफ द एमिटर विल बी इक्वल टू 90%. 90% मतलब ये हो जाएगा 0.9. तो देखो IC की वैल्यू तो हमें पता है यहाँ से हम IE की वैल्यू निकाल सकते हैं तो IE की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 अपॉन में 0.9 या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 अपॉन में 9 मिली एम्पियर. सो इट विल बी इक्वल टू IE आ जाएगा 11.11 मिली एम्पियर. तो एमिटर करंट होगा 11.11 मिली एम्पियर तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. अगर आप बेस करंट निकालना चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं. देखो एमिटर करंट हमने निकाला 11.11 फिर आईबी प्लस आईसी की वैल्यू कितनी है 10 तो आईबी आ जाएगा 11.11 माइनस 10 सो आईबी विल बी इक्वल टू 1.11 मिली एम्पियर जो कि इन दोनों ऑप्शन में नहीं गिवन है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी.